जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। हर किसी का सपना होता है कि एक ना एक बार कश्मीर की खूबसूरती को तो निहार ही लिया जाए। वहाँ चले ही जाते हैं, कोई अपने परिवार के साथ जाता है, कोई दोस्तों के साथ जाता है, बस एंजॉय करने के लिए जाते जरूर हैं। इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है क्योंकि है ही इतना खूबसूरत। पर ये जन्नत काफी लंबे वक्त से आतंक के साए में ही रही और कहीं ना कहीं इसका एक कारण धारा 370 भी है। अब धारा 370 के यहां से हटने से लोगों की जिंदगी पटरी पर आ गई है क्योंकि काफी हद तक यहां पर आतंकवाद कंट्रोल हुआ है। और इतना ही नहीं, अब लगभग 3 दशक के बाद कश्मीर में ना मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत भी मिल गई है। अब ये इजाजत कैसे मिली है, इसकी इजाजत पहले क्यों नहीं थी और ये धारा 370 क्या है, ये सब आपको बताती हूं एक एक करके। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। तो सबसे पहले आप आसान शब्दों में ये समझ लीजिए कि धारा 370 है तो है क्या। तो धारा 370 के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर स्टेट जो है उसको विशेष अधिकार मिले हुए थे। जम्मू कश्मीर का अलग झंडा था, यहाँ तक कि संविधान भी अलग चलता था। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास ना दोहरी नागरिकता हुआ करती थी, जबकि भारत के दूसरे स्टेट्स के लोग जम्मू कश्मीर में संपत्ति यानी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। यहाँ तक कि स्टेट में कानून लागू करने के लिए ना जम्मू कश्मीर की सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चरम पे रहता था। आए दिन दंगे होते रहते थे, आतंकी घटनाएं घटती रहती थी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इस धारा को ऐतिहासिक भूल बताते हुए हटा दिया गया, जो सरकार की तरफ से किया गया एक सही फैसला साबित हुआ। जम्मू कश्मीर यहाँ लगभग 3 दशक से मुहर्रम में जुलूस निकालने की इजाजत ही नहीं थी। इसका कारण जानते हैं क्या था? वो था कि सरकार जुलूस निकालने वालों को अलगाववादी आंदोलन के प्रति नरम मानती थी। 1990 में आतंकी घुसपैठ की शुरुआत में इस जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो अब हटा दिया गया है। मतलब अब जुलूस निकालने की अनुमति दे दी गई है, जिससे साफ ये पता चलता है कि आतंकवादी घटनाएं अब अंडर कंट्रोल है। प्रशासन ने यह भी कहा कि जुलूस निकालने वाले लोग किसी भी तरह का राष्ट्र विरोधी भाषण या फिर नारेबाजी नहीं करें और ये जुलूस शांतिपूर्वक होना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की खोई हुई शांति ना अब धीरे धीरे वापस लौट रही है, जिसके लिए सरकार ने एक मजबूत कदम उठाया था। अभी द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात जानते हो क्या है? वो ये है कि धारा 370, इसको तो काफी पहले हटा देना चाहिए था सरकार को, नहीं? जिससे जन्नत जैसा खूबसूरत कश्मीर आतंकवादियों के निशाने पर आता ही नहीं, और साथ ही मुहर्रम का जो ये जो जुलूस है ना उसे निकालने की आजादी देना इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां कम हो गई हैं। वेल, आपका इस बारे में क्या कहना है, जल्दी से हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो। दैट्स सिंपल। वेल, फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।